नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। इसी रास्ते को बनाकर देश ने चुने हैं 25 ऐसे बच्चों के नाम जिन्हें इस साल का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन। ये बच्चे इस वक्त हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सभी बच्चों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज तक पर बहादुरी का जश्न मन रहा है, वीरता को सलाम किया जा रहा है, और ये 25 नाम जिन्हें हम सलाम कर रहे हैं, पूरा देश इन पर नाज कर रहा है, हमारे साथ मौजूद है, इनके परिवार मौजूद है, हमारे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन इन्हीं सुपरस्टार्स के बीच रियल टाइप का एक सुपरस्टार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप कृष भी कहते हैं इन्हें प्यार से। लक्ष्य में आपने इन्हें फौजी के किरदार में भी देखा है और बादशाह अकबर के रोल में भी देखा है। प्लीज वेलकम ऋतिक रोशन। पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक के स्टूडियो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। ऋतिक, यामी, जो बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें चुना गया है इनके साहस, इनके शौर्य, इनकी बहादुरी को लेकर। ऐसे ऐसे काम इन बच्चों ने किए हैं, जब कहानियाँ आप सुनेंगे, शायद हमारी फिल्में जिन कहानियों पर बनती हैं, किसी ने किसी की जान बचाई, अपने हित को पीछे छोड़कर दूसरों के हित के लिए वो आगे आए, ऐसी कहानियाँ इनकी, वो सारी कहानियाँ भी हम लेंगे। लेकिन आप इन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत ही खुश हूँ टू गेट दी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बैठ के यहाँ पर ये देखना कि हम में, हम सब में आप एक एग्जाम्पल हो कि हमारी खुद की लाइफ्स में अगर हम जब भी वी आर फेस्ड विद फियर, यू विल बी द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू शो अस द वे टू फाइट दैट फियर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू। ऋतिक यामी, यहाँ पर वो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उस बहादुरी के साथ वो परवरिश दी कि आज वो ऐसे कारनामे कर दिखाए इन बच्चों ने, और यहाँ पर हमारे सारे बच्चे मौजूद हैं। हैरानी होगी आपको भी ये जानकर, 8 साल की बच्ची है जिसने छलांग लगा दी पानी में दूसरे को बचाने के लिए। छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। वाओ, पूरे जुर्मों के बीच में जब ये बच्ची बैठी होती है इस पर नजर भी नहीं जाती, लेकिन 8 साल की बच्ची है। मैंने पूरे ग्रुप में पूछा सबसे छोटी बच्ची कौन सी है। प्लीज आप उनको माइक जरा दीजिए। बेटा, आप सबको बताओ कि आपने क्या किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आज हम सब आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मेरा नाम नीलम ध्रुव है। हम लोग शाम 6 बजे नहाने गए थे। अच्छा। फिर टिकेश्वरी हमारे पीछे पीछे आई और तालाब के किनारे बैठ गई और उसके पैर फिसल के तालाब में चली गई। उसके बाद मैं देखी, किनारे तो नहीं थी, इधर उधर देखी तो थी, उसके पास गई और उसके हाथ को खींच कर बाहर निकल। कम ऑन, वेरी वेरी गुड। डर था आपके मन में? आपको डर लगा? आपको डर था? लगा था ना डर? हाँ। फिर भी आपने किया है ना? हाँ। आप सबसे बहादुर, सबसे बहादुर आप। ऋतिक, जब ऐसी कहानियाँ यामी, इनफैक्ट कभी आपको अपने बचपन का कोई ऐसा किस्सा याद आता है कि कोई ऐसी खतरनाक चीज़ आपके सामने आई हो या कोई परिस्थिति जब बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी और आपने उसको कर दिखाया और निभाया हो? अच्छा, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ऋतिक के बचपन की स्टोरी सुनने में? अरे मैं भी। एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा तो कोई हादसा नहीं था जहाँ पर I could have been as brave as all these truly brave heroes here. लेकिन मुझे लगता है कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम डरते हैं। और मेरे ख्याल से ये हर वो वक्त जब हम उस फियर को लेके आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहादुरी का एक मिसाल बनता है हमारे खुद के लिए। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एपिसोड्स हैं मेरी लाइफ में। मेरा एक एपिसोड जो मुझे याद आता है, आपके मुकाबले में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी मेरी स्पाइन की। तो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि
मैं कभी एक एक्टर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा जो स्पाइन है वो एक बहुत ही जेनेटिकली वीक है, तो उसे सुन के मैं बहुत ही डिप्रेस रहा, बहुत डर था कि अगर मैंने कुछ किया, कुछ डांस किया या एक्शन किया, तो अगर मेरी पीठ अगर टूट गई तो फिर क्या होगा, तो वो डर बहुत था। और उस डर को ओवर पावर करने के लिए आई हैड टू बी वेरी वेरी ब्रेव, आई हैड टू ट्राई। तो वो कोशिश, मेरी कोशिश जो है, आई थिंक उस कोशिश में मेरी बहादुरी थी, और उसके लिए मैं भी बहुत ही प्राउड हूँ कि मैंने वो किया जो जो इतना फियरफुल था। और मैं भी बहुत प्राउड हूँ कि मैं आज यहाँ पर बैठ के आपके सामने हूँ, और मुझे पूछा जा रहा है आपके सामने कि मैंने क्या किया था, और मेरे पास कोई एक ऐसी कहानी है, तो मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम शेयरिंग। वैसे तो ये सभी बच्चे हमारे लिए मिसाल है, इनको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर कोई आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास मत करिए, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आपके सामने ऋतिक रोशन भी बैठे हैं कि उनको फिजिकल वीकनेस नोट कराई गई, लेकिन आपने इनको सुपर हीरो के किरदार में देखा है, आपने इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स देखे हैं, ये कितने एक्टिव रहते हैं अपने किरदारों में, अपनी फिल्मों में, वो देखा है। कोई चैलेंज है किसी के पास? पंजा लड़ाना चाहता हूँ मैं ऋतिक सर के साथ। हाँ? पंजा लड़ाना चाहता हूँ। अरे पंजा, अरे आप जीत जाओगे यार। आइए नमन, आइए आप आइए। ठीक है भाई, मुझे तो लगता है कि आप पंजे में चैंपियन हो। मुझे ये लगता है आप सिर्फ हैंडशेक करना चाहते हो, बहुत लंबे टाइम के लिए हैंडशेक करना चाहते हो। अच्छा नमन के साथ क्या पीछे से दो बच्चे और आना चाहेंगे? आओ आओ, कम ऑन, चलो। कौन ये बच्चा टीम वर्सेस क्रिश द सुपर हीरो? अब क्योंकि यहाँ पर जोर आजमाइश की बात हो रही है, दम की बात हो रही है, तो कुछ दम से जुड़ा गाना भी बजना चाहिए, थोड़ा सा पंपिंग होगा। इस हार में मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज आई हैव लॉस्ट टू ट्रू हीरोज। नमन के साथ हमारे साथ अक्षित बैठे हैं, अक्षित दिल्ली से हैं। अक्षित, आपने कैसे गुंडों से लोहा लिया था, जरा आप हमें अपनी कहानी बताएं। वाह, हम स्कूल से आ रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो हमने देखा कि हमारा आयरन डोर जो है वो खुला हुआ है और वुडन डोर बंद है। फिर हमने ऊपर घर पे, हाँ घर का, हाँ जी घर पे, फिर हमने विंडो से देखा तो हमें दो स्ट्रेंज पीपल दिखाई दिए, क्योंकि मम्मी पापा तो होते नहीं है नॉर्मली। उनके पास क्या था? उनके पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह इक्विपमेंट्स थे। फिर हमने, मेरी सिस्टर नीचे गई और मैं वहीं पे था, तो कोई मतलब जो एक चोर था वो नीचे जंप करा। कितने लोग थे ये, कितने शामिल लोग थे? दो तो घर में थे, बाकी इनकी बाहर पूरी टीम थी। तो फिर उनमें से एक जंप करा और मेरी सिस्टर वहीं पे थी, तो उन्होंने पकड़ा। तो जब मैंने नीचे जाके पकड़ा तो उन्होंने इक्विपमेंट्स निकाल के हमारे पे हमला करा, तो उसके कारण हम नीचे गिर गए और वो भाग निकला। लेकिन आपको एक सेकंड भी डर नहीं लगा कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें चोट लग जाएगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन मम्मी पापा पूरे साल काम करते हैं तो वो कमाई कैसे जान देते। तो इसीलिए तालियां अक्षित के लिए एक बार। अक्षित हैं और वहाँ पीछे उनकी सिस्टर बैठी हैं। अक्षिता को माइक दीजिए जरा। अक्षिता, इन दोनों भाई बहन ने मिलकर चोरों से ये मुकाबला किया। वेरी ब्रेव अक्षिता, थैंक यू। अक्षिता के पास ऋतिक आपके लिए सवाल है। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने इतनी फिल्मों में काम करा है, तो आपको सबसे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हीरोइन कौन लगी और किसके साथ आपको काम करने में अच्छा लगा? अक्षिता है उनका नाम, अक्षिता जी। अक्षिता, मैं ये जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यामी मेरे साथ में है, लेकिन मैं सच्ची में, मेरी ये फीलिंग है कि आज तक सारे एक्टर्स के साथ जिनके भी साथ मैंने काम किया है, यामी के साथ काम करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो होपफुली आई विल गेट टू वर्क विद हर वंस मोर एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू रियली का। यामी, आपने ऋतिक के साथ डांसिंग स्टेप्स कैसे बिठाए? आपने देखा है गाना? डेफिनेटली बहुत बेहतरीन डांस करती है। आप कितने नंबर्स देंगे यामी? मैं 10/10 क्योंकि इनफैक्ट 11/10 क्योंकि इस गाने में एक ऐसा स्टेप भी था जो ये कर रही थी मुझसे बेहतर,
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सुनने में हमें बड़ा वैसा लगता है कि ऋतिक से बेहतर कोई डांस कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बकायदा कुर्सी से उठाकर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं एक और बार, क्योंकि आई वॉन्ट टू कॉपी द स्टेप. सो शी डांस ट्वाइस फॉर मी एंड देन आई कॉपीड हर स्टेप. तो हम वो स्टेप देख सकते हैं क्या एक बार? नहीं, बहुत मुश्किल स्टेप है, ये पंजा तो हो गया अभी भी. वो इसलिए हुआ है क्योंकि अगर बहुत शॉर्ट में बोलूं तो ये इतनी मेहनत करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. काबिल का ही गाना ठीक है? कौन सा गाना? काबिल हूँ. ठीक है चलो, तो मैं शुरू करूँ कि आप शुरू करेंगे? आप शुरू करो. क्या बात, करें स्टार्ट? स्टार्ट. तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ यार, तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ यार, तेरे काबिल नहीं. सबसे स्वीटेस्ट साइज है. कुछ कहना चाहता हूं मैं. आपका नाम क्या था? सॉरी, अक्षित. अक्षित, अक्षित ने एक बात कही तो मेरे दिल को वो छू गई. उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स फुल ईयर दे वर्क सो हार्ड, उनकी जो कमाई है मैं वो उन्हें कैसे मैं लेके जाने दे सकता था. तो आई रियली वॉन्ट टू से दैट आई एम proud of you. और very proud of, blushing, look at him. Very proud of your parents. एक जादू की मम्मी पापा हैं यहाँ पर आपके? आ जाओ फटाफट, आ जाओ. मम्मी पापा हैं आपके यहाँ पर? Proud of you यार. Very well done. मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? आप हैं? आपने जो सीख दी है अपने बच्चों को उसके लिए I want to shake your hand. Thank you. कमाल बात. Thank you. बहुत ही स्पेशल केसेस हैं ये चार वो बच्चे हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन उनका जज्बा उनका हौसला ऐसा था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और जाकर दूसरों की मदद की. पहले तो तालियां ली जरूर हमारी तरफ चारों बच्चों के लिए. उनके पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. सर मैं चाहूँगी कि तार पीजू क्योंकि उन्हें भारत पुरस्कार मिल रहा है, आप हमें बताएं कि क्या उस दिन हुआ था और आपके जरिए पूरा देश जाने क्योंकि आप उनके फादर हैं. छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची है, कैसे दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके फादर हमें तारपी जू के बारे में बताएंगे. ये दुर्घटना मई 2016 को तो नदी के उस पहाड़ में मेरा खेती पानी खेती है और नदी के इस पहाड़ हम सब के घर है. तो 7-8 साल से ये बच्चे हम लोग मामी पापा के साथ में वो किटी नदी को पार करके किटी को आना जाना करते रहते हैं हर साल. तो अचानक वो 19 मई को हम लोग सुबह उन लोग को नहीं बता के बाहर चला गए, दूसरा जगह चला गया. तो उन्होंने सोचा है कि मामी पापा लोग किटी चला गया, ऐसे सोच करके हम मामी पापा को देखने के लिए नदी को पार कर रहा था. वो किटी रास्ता में जाके नदी को पार करने के लिए कोशिश किया तो अचानक वो बच्चे दो बच्चे उनके साथ में दो बच्चे थे तो वो दो बच्चे आगे आगे जा रहा था. तो ये बच्चे मेरा सबसे छोटे उम्र का था वो पीछे आ रही थी. तो आगे आगे जाते जब दोनों बच्चा डूब गया तो डूबते वो देखा है कि देखते हुए चिल्ला नाम को लेके चिल्लाते वो चला गया. दोनों को इस तरह ऐसे भाग करके निकल दिया, दोनों को निकल दिया. तो वो नदी का बीच में फंस गया, बालू जो सेंध जो पानी का बीच में फंस गया. तो इनको पानी बह गया तो उसका 2 घंटे के बाद में उसका डेड बॉडी को रिकवरी हुआ. ये अपना से कूद करके पानी में जंप किया और ये दोनों को बचा करके उसका लाइफ चली गई. तो ये क्लास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, मेरा छोटा बच्चे हैं और इन्होंने अपना धारी भी बनाई है और मामी पापा को चिट्ठी भी लिखी है. इनका चिट्ठी लिखा हुआ हम लोग यहाँ लेके आया है. चिट्ठी में इन्होंने जिक्र किया मेरा पापा इज वर्ल्ड बेस्ट पापा, मेरा मामी इज वर्ल्ड बेस्ट मामी. मैम आप वो चिट्ठी लेकर आई हैं? जी चिट्ठी पूरा यहाँ लेकर आई है. वो लेटर मैम आप आइए, आप यहाँ पर आइए प्लीज इस तस्वीर को लेकर. हम चाहेंगे कि आपके जरिए पूरे देश के सामने ये तस्वीर ये लम्हा जरूर जाए.
चली गई है, वो आज भी आपके साथ है, हर लम्हा हर पल वो आपके साथ जी रही है। जी मैम, इसलिए मैं हर समय, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आपने आज तार पीजू की कहानी हम सबको सुनाई वो सबको याद रहे और आगे भी कम से कम आप उस मशाल को हमेशा आगे जलाते रहें, उसकी उस इंस्पिरेशन को दूसरों के मन में हमेशा जिंदा रखें। और मैं हमेशा ये लीटर को दिन को दो बार खुल के पढ़ता है कि उन्होंने अपना पापा इज बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट पापा बोल के लिखा है। आपकी बच्ची के कुछ वर्ड्स हैं जी, कुछ सोच है जी, जो मैं इस वक्त में पढ़ना चाहता हूँ। जी सर। शी सेज, माय पापा इज वेरी हैंडसम, माय पापा इज द वर्ल्ड्स गुड पापा, माय पापा इज स्वीट टैलेंट पापा, पापा प्लीज कम इन संडे विथ मम्मी, कम हैप्पीली, प्लीज टेक सम चिप्स एंड बिस्कुट एंड एप्पल एंड ऑरेंज एंड सिरप्स, चिप्स 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 चिप्स, आई वेटिंग फॉर यू एंड आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। उन्होंने वही टाटा फ्रॉम पीजू पीजू, ये वेटिंग स्पेलिंग को वे और थिंक बहुत से सारे ऐसे बहुत इस चिट्ठी में एक लाइन है जो मैं दोहराना मैं चाहता हूँ। पापा एंड मम्मी प्लीज कम इन संडे एंड कम हैप्पीली। तो आपकी बच्ची हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके जो ये नन्हे नन्हे वर्ड्स हैं इसमें से मैं सिर्फ यही मैं देख सकता हूँ कि वो कह रही हैं आपसे कि दर्द तो है, बहुत दर्द है, और ये एक ऐसा ज़िंदगी का दर्द है जिसका इट्स इनकम्पेरेबल। लेकिन उसकी ही वर्ड्स में जब वो कहती है कि मम्मी एंड पापा कम हैप्पीली, तो मुझे होप मिलता है, और मेरे ख्याल से आपको होप मिलना चाहिए कि वो चाहती है कि आप हैंडसम रहें, वर्ल्ड्स बेस्ट पापा रहें, वर्ल्ड्स बेस्ट कपल रहें और बढ़ते जाएं, और इस देश के और भी जो लोग हैं जिनकी लाइफ्स में दर्द है और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनके लिए आप मिसाल बने एक। एंड वी विल रिमेंबर दैट व्हेन वी इफ एवर इन आवर लाइव्स वी फील दैट पेन, आई विल रिमेंबर यू एंड आई विल नो आई विल हैव टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज द बोथ ऑफ यू टू कैरी ऑन विद लाइफ एंड हेल्प अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस पेन। कहानी यहाँ पर सुनी, कैसा उनका जज्बा था ये सब हमने जाना। मैं एक बार फिर आपको आपके बचपन की तरफ लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी एक छोटी सी स्टोरी हमारे सामने नरेट की थी कुछ और इंसिडेंट, जैसे आपने कहा किसी ने आपको कहा कि आप एक्टर नहीं बन सकते, या आपके हाथ में सिक्स फिंगर्स हैं जिसको लोग इस तरह से नोट करते हैं कई बार कि ऐसा क्यों है, उसको लेकर भी सवाल होता है, किसी बच्चे के मन में उसे लेकर हीन भावना भी आ सकती है। या हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आपको स्टैमर की दिक्कत थी, आपने उसको ओवरकम किया। तो लोग जब आपको ऐसी बातें आकर कहते हैं जिसका आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों पर असर पड़ सकता है, मैं चाहूँगी इन सारे बच्चों को एक मैसेज आप ज़रूर इस बात पर दें। मेरे ख्याल से हम सब यहाँ पर हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इस देश में, वर्ल्ड में, हम सब यहाँ पर हैं टू हेल्प ईच अदर, टू बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में। तो हम यहाँ पर हैं, किसी के पास कोई वीकनेस है, किसी के पास कोई दूसरा वीकनेस है, किसी के पास एक दर्द है तो किसी के पास कोई दूसरा दर्द है, लेकिन मिलजुल के अपनी कहानी बता के हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। यही ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वर्च्यू है, ये मानना और ये जानना कि हम सब एक हैं, हम सब, आप सबके लिए बहुत जरूरी है मैसेज सुनना, हम सब समान हैं, कि अपने मन में कभी किसी तरह की हीन भावना आने नहीं देनी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये मन था कि वो आपसे डांसिंग के भी टिप्स लें, स्पेशली प्रफुल यहाँ पर बहुत देर से एक्साइटेड है। प्रफुल
इन्होंने जो काम किया मैं आपको पहले वो बताती हूँ। बस खाई में जा रही थी हिमाचल में, इन्होंने भागकर इंस्टेंटली उस गिरती हुई पीछे पलटकर जो बस आ रही थी उस पर ब्रेक लगाया और जो बाकी बच्चे बस में सवार थे उनको बचाया। उस लम्हे में ये बात दिमाग में आना कि ऐसा करके आप इतने लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं, प्रफुल्ल के लिए तालियां। बताइए आपको कौन से टिप्स लेने हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ड्राइविंग आती है आपको? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता था कि ये ब्रेक यहाँ पर है? और पापा के पास गाड़ी है, तब वो चलाते तब मैं देखता रहता था। देखते थे, तो बहुत ही ऑब्जर्वेंट हो आप। यस सर। वेरी गुड, वेरी थैंक यू सर, वेरी गुड। प्रफुल्ल एज कितनी है आपकी? 13 इयर्स। 13 के हो? यस सर। और क्योंकि उस वक्त बस में ड्राइवर मौजूद नहीं थे, वो नीचे उतरे थे और इसी दौरान क्योंकि शायद हैंड ब्रेक नहीं था और बस पीछे आ गई, इन्होंने ब्रेक लगाया। प्रफुल्ल बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी थी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको ऋतिक सर से कौन से टिप्स चाहिए आप बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? पैक्स कैसे बनाते हो? सिक्स पैक्स? यस सर। सिक्स पैक्स के लिए तो आपको बहुत टाइम है अभी यार। सर आप कितने पुशअप मार सकते हो? मैं इस वक्त तो ज्यादा नहीं, लेकिन सर अभी आप कर सकते हो? अभी? यस सर। हम भी आपके साथ करेंगे। मैं ना तो नहीं कर सकता हूँ आपको, तो चलिए आपने अगर कह दिया है तो अब करना पड़ेगा। सर एक अलग स्टाइल के पुशअप करते हैं आज आपके साथ। वो कौन सा स्टाइल? तो मैं दिखाता हूँ सर आपको, आप आइए। आपके पास दूसरा स्टाइल है पुशअप का? हाँ जी। चलिए पहले आप अपना स्टाइल दिखाइए फिर देखते हैं। बारी है, ये तो बारी उनकी है। अच्छा उन्होंने अपनी टीम में ले लिया उन्हें। आइए आइए फटाफट आइए, देखें हम जरा कि आप क्या लेकर आए हैं इस बार। अच्छा ऐसे कर, अरे बाप रे कितने कर पाते हो? कितने कर सकते हो ये एक बार में आप? नमन फिर भी कितने कर सकते हो? 20, 25, 30। इससे अच्छा मैं आपको एक डांस सिखाता हूँ, आप करके बताइए। अब क्या डांस में बिल्कुल जीरो हुआ है। अच्छा माइक में बोलिए सर, डांस में बिल्कुल जीरो हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि आपका नाम क्या था? प्रफुल्ल। आइए तो प्रफुल्ल हम दोनों को एक स्टेप बताएंगे और हम दोनों वो स्टेप करके दिखाएंगे और फिर प्रफुल्ल बोलेगा कि आप बेहतर या मैं। ठीक है सर, कम ऑन। चलिए इधर एक बार तालियां हो जाए क्योंकि प्रफुल्ल अब यहाँ जज बन गए हैं। एक टीम ये है और दूसरी टीम उधर है। ऋतिक के साथ कौन कौन है? कोई कितने भी, लोग भी। कितने लोग टीम ऋतिक में हैं? वेस्ट बंगाल से दो बच्चियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेक्स रैकेट को बिल्कुल पर्दाफाश उसका किया। और सबसे खास बात यह है कि इन बच्चियों ने एनजीओ के साथ मिलकर ये उन लोगों तक पहुंची और पुलिस को भी हेल्प किया उस केस को क्रैक करने में। दोनों बच्चियों के लिए तालियां। वाओ वाओ। शिवानी आप बताइए अपनी कहानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाय। ये हम लोग की कहानी स्टार्ट होती है एक एनजीओ, माइक नजदीक लाइए, एनजीओ की कहानी स्टार्ट होती है। एक दिन हम लोग के जो भैया है वो एनजीओ में, मार्ग एनजीओ में काम करते हैं। उन्होंने एक बार पता चला कि एक लड़की भागी हुई है नेपाल से और वो ट्रैफिक हो चुकी है इंडिया में आकर। तो उन्होंने जो नेपाल का एनजीओ है उन्होंने आकर इंडिया के एनजीओ से कहा कि आपकी हमारी हेल्प चाहिए। तो उन लोगों ने जो मार्ग एनजीओ है इंडिया के एनजीओ, उन्होंने उस लड़की को फेसबुक पे पता करके ट्रैक करके उन लोगों को पता कर लिया। जब वो एनजीओ वो लड़की को पता कर लिया तो उसको जो ट्रैफिक हो चुकी है वो खुद एक ट्रैफिकर बन चुकी है, वो दूसरी लड़कियों को बेचने लगी थी। तो जब वो दूसरी लड़कियों को बेचने लगी थी तो हम लोगों ने उसको एक ड्रामेटाइज प्ले की तरह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसको एक बना मतलब अपने स्टेट में लाने के लिए बुलाया। सो हम लोगों ने उनसे एक फेसबुक पे लड़की की फेक आईडी बनाया और उससे बात करने स्टार्ट कर दी। सो उसने बोला कि तुम लोग को जॉब चाहिए तो हम लोग तुमको दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने बोला ठीक है हम लोग आपके लिए हम लोग को जॉब चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम लोग फ़ोटो भेजो। तो हम लोगों ने जब अपना फ़ोटो भेजा उसके तुरंत बाद ही उसके 20 मिनट बाद ही उन्होंने हम लोग को आधार कार्ड बना के भेज दिया। तो हम लोग बहुत शौक हो गए कि 20 मिनट में अगर ये आधार कार्ड बना सकते हैं तो ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं।
सो ये हम लोग केस पुलिस के पास गए तो पुलिस लोगों ने बोला कि वी शैल हेल्प यू एंड द मार्क टीम विच इज़ एन NGO उन्होंने बोला कि वी नीड मोर गर्ल्स. सो हम लोग का एक जो सैट क्लब होता है, सैट क्लब मतलब स्टूडेंट्स अगेंस्ट ट्रैफिकिंग क्लब, जो मार्क NGO हर एक गर्ल्स स्कूल में खोलती है और बॉयज़ स्कूल में भी ये आजकल क्लब खोलते हैं. इसमें हम लोग को अवेयरनेस कैंप मिलता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर. तो हम लोगों ने इस कहानी को मतलब इस ड्रामाटाइज प्ले को उस लड़की को बुलाने के लिए प्ले किया. तो एक दिन हम लोगों ने एक होटल में बैठकर उनका वेट किया. तो वो लोग हम लोग को लेने आए तो हम लोग को सीधे आए रूम में बैठे हुए थे होटल में. उन्होंने बोला जब जैसे वो आए हम लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया कि वो लोग हो सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत यंग थे, मतलब कॉलेज लेवल के लोगों थे. उन्होंने जैसे आया बोला चलो, नाम भी नहीं पूछा कुछ भी नहीं पूछा, सीधे बोला चलो. तो हम लोग तो शौक हो गए कि कॉमन पीपल कोई भी आके आपको नहीं कहेगा कि चलो. सो हम लोगों ने जब वो पुलिस टीम जो होटल में हम लोग बैठे थे उधर पुलिस टीम सिविल ड्रेस में बैठी हुई थी एज अ कस्टमर बनकर, और जो मार्ग NGO के मेंबर्स थे वो लोग वेटर बन के बैठे हुए थे. तो हम लोगों ने कुछ इशारा किया मतलब अपना बाल से खुजली है, तो उन्होंने हम लोग को उस ट्रैफिकर्स को पकड़ने में हेल्प की. तो उन्होंने सारा वो पकड़ कर उस लड़की को पकड़ लिया. wow. और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया शुड सी यू बोथ ऑन स्टेज वेरी क्लियरली सो दैट दे ऑलवेज रिमेंबर यू एज एन एग्जांपल. प्लीज कम हियर. तेजस्विता शिवानी, प्लीज. वी एक्चुअली हैव अ टोकन ऑल द वे फ्रॉम दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल. वाओ, दैट्स सो स्वीट. तो आप दोनों शर्मा रहे थे इतनी देर से ये बोलने में, सबसे आखिर में ये बात कही. What is that? For me? Oh my God, I'm honored. I'm so honored. What is this? How sweet. अच्छा मैं चाहूँगी शिवानी आप जरूर बताएं आपने जो दिया है एक बार कैमरे के सामने व्यूअर्स को भी पता चले आप जो छोटी सी भेंट लेकर आई है ये क्या है. This is a Queen of Feels special prize that is known as Darjeeling Tea, which is famous in all over India, all over the world and all over the India, which is always famous as a Darjeeling Tea, name of our Darjeeling Tea. Hrithik, आप चाय पीते हैं? मैं पीता हूँ और पीऊँगा अभी, क्योंकि हो सकता है कि इसके थ्रू थोड़ी सी जो शक्ति है वो मुझ में भी आए. I am so honored. So we both are so honored. Please come here and let the camera see us very, very clearly. These are the heroes. तानी इतनी कम क्यों है यार? Heroes. लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर. Thank you. Thank you. आपके पास एक सवाल था. आप प्रतीक से सवाल पूछना चाहती थी. प्लीज माइक दीजिए उन्हें. जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम अंशिका पांडे, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ. और जैसे ही हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप आ रहे हैं हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और थोड़ा सा हम लोगों ने सेंस कर लिया था. हम लोग को ये नहीं पता था कि आपके साथ मैम भी आ रही हैं, लेकिन ऑन द वे हम लोगों ने ये सेंस कर लिया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, कि मैम भी आएंगी आपके साथ. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपका ऑन स्क्रीन सबसे टफेस्ट सीन कौन सा रहा आज तक? वैसे तो बहुत सारे हैं. फिजिकली या इमोशनली ऐसा कुछ अगर कोई कैटेगरी हो तो? फिजिकली. ओके, फिजिकली तो बहुत ही आसान है. वो है क्रिश, क्योंकि क्रिश को प्ले करने में एक अजीब तरह का करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कभी कभी आई यूज टू बी हैंगिंग इन 200 फीट इन द एयर विथ जस्ट वन स्मॉल केबल. तो उसमें जो स्टंट्स थे, जैसे स्टंट्स थे और जितना रिस्क था, और मैं कभी कभी मैं देख भी नहीं पाता था ठीक से, क्योंकि मेरे फेस पे मास्क था जो ग्लू के ज़रिए मैं चिपकाता था. तो गर्मी में उस केप के साथ उस केबल के ऊपर जो रिस्की शॉट्स मैंने जो दिए, वो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट, फिजिकली टफेस्ट शॉट्स थे. थैंक यू सर. और मैम प्लीज़ आप बताइए आपके लिए सबसे टफ सीन कौन सा रहा एज इमोशनली? इनके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं एक्चुअली. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऋतिक, बहुत जेन्युइन है. मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग बोलूँगी रहा है
और उतना ही खास भी बोल सकती हूँ एट द सेम टाइम रहा है पूरी पूरी काबिल की जर्नी जो अभी यू नो रिलीज़ होगा. बोलना थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लगे बहुत ज़्यादा, बट ये कहना चाहूँगी कि जिस वजह से हम सब इतना प्यार करते हैं ऋतिक को, हम सब देखते हैं, पर जब एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है. और मेरे लिए सबसे खास रहा है उनके साथ डांस करना, जैसे आपने करवाया ना उनसे डांस तो नहीं वो तो आपको फुल मार्क्स दे रहे हैं तो उनके साथ डांस करना बहुत मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास एक्सपीरियंस. तो स्पेशल मोमेंट की झलक हमें यहाँ मिलेगी अभी हम क्योंकि इसी के साथ हम काबिल के लिए आपको ऑल द बेस्ट भी कहेंगे. कोई स्टेप नहीं है जो हुक स्टेप है एक जो अगर अगर होता तो हम लोग करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं आप उन्हें अपनी सेनोरिटा बना सकते हैं नहीं फिलहाल तो मौका थोड़ा और जी लास्ट में बस एक धूम मचा लेते हैं सब साथ में मिलकर. चलो और इसी के साथ हम ऋतिक और यामी को ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे उनकी अगली फिल्म के लिए और इस छोटे से लम्हे की बहुत सारी यादें हम सब. कौन बताएगा हमें कौन सा स्टेप कौन बताएगा? मैम बताएंगे और हम सब करेंगे. चलो रेडी. और ऋतिक रोशन, यामी, जिन्होंने इन लम्हों को हमारे लिए और स्पेशल बनाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट. जोरदार ताली एक बार फिर. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू.